बेटा जरा चाय पास कर देना प्लीज। साथ रो रहा होगा, मैं देखती हूँ उसे। हाँ, उसे गलती हो गई। अब इतनी बड़ी बात नहीं थी। सारा भाभी को याद है क्या क्या बातें करती थी, वो इन्हें याद नहीं है। हुआ क्या है? मैं बताता हूँ आपको मर्जन, सारा भाभी मेरे साथ मजाक कर रही थी मक्खन लगाने पे, तो फवाद भाई ने आके कहा सारा की बजाय फरवा भाभी को मक्खन लगा के दिखाओ, इस बात पे माइंड कर गई है। बस इतनी सी बात है। कमाल, you have to be careful. एक बीवी का दिल दुखाना और उसे को खुश करना अच्छी बात नहीं है। माँ जान, मेरे मुंह से ऐसे ही नाता निस्ता निकल गया। जाओ बेटा, सॉरी करके आ जाओ इसे। इतनी सी बात पे सॉरी करेंगे आप? बेटा, यही बातें होती हैं जो दिलों को परेशान करती हैं शुरू शुरू में, और बाद में नफरतों में बदल जाती हैं। अम्मा जान, इनके दिल में पहली बहुत नफरत है, बता रहा हूँ मैं आपको, इनकी फितरत नहीं बदली। किसके दिल में क्या है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम ऐसी बातें करके बदगुमानी और कंफ्यूजन मत फैलाओ। जाओ बेटा, गो से सॉरी। तुम भी ना उल्टी सीधी बातें करते हो, टाइमिंग तो तुम्हारी बिल्कुल ऑफ है। सॉरी अम्मा जान। फवाद ने कभी सारा की इज्जत पर आंच नहीं आने दी, हमेशा उसे डिफेंड किया, और मुझे सबके सामने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की। शौहर का तंज, हंसी मजाक जाहिर करता है कि वो बीवी से कितनी मोहब्बत करता है और कितनी इज्जत करता है, और इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। सॉरी, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, मेरा मकसद तुम्हें लेट डाउन करना नहीं था। कोई बात नहीं, इंसान के दिल में जो बात होती है वो कभी ना कभी जबान पर आ ही जाती है। सारा के लिए तो आपने ऐसा कभी भी नहीं कहा। सॉरी कह रहा हूं ना, just let it go. कोई बात नहीं, मामूली सी बात को इतना सोच के इतना बड़ा मत बनाए। मेरा क्या, मेरी क्या इज्जत है इस घर में? आप रिलैक्स हो जाए। बात फिर तुम्हें सॉरी कह रहा हूं, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज नहीं था। आई एम सॉरी। काश कभी आपको खुद से पता चल सके कि मैं इन बातों से कितना हर्ट होती हूँ।
Assalamu alaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirVy Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.